हम जो यहाँ पे रुके थे और इसके बाद जो है हम अडेर का किला हम जो है घूमने जाएंगे। बाकी मैं क्या बताऊँ, अभी हम तो नए ब्लॉगर है भाई, हमारे भैया जो आपको बताएंगे तो बैटर के किले के बारे में भाई। तो दोस्तों मैं इसे अपने गांव लेके आया था भिंड, तो दोस्तों यहाँ पर अटेर क्षेत्र में एक किला है दोस्तों, तो आज हम उस किले पे जाने वाले हैं, तो उस किले का रहस्य आपको बताएंगे। और वहीं पे चंबल नदी है, चंबल भी है, तो यहाँ से कुछ ठंडा वंडा पीने के बाद मिलते हैं अटेर के किले में। तो चलिए, तो भाई जो पीछे की साइड आप देख सकते हो काफी यहाँ पे जो बिहारी और मतलब कांटे टाइप है वो। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का लोकल मार्केट है, काफी छोटा सा मार्केट है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी कम दुकानें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। देख सकते हो ऊंट भी यहाँ पे आ रही है, टूरिस्टिक प्लेस है तो यहाँ पे ऊंट वगैरह आपको मिल जाते हैं देखने को। क्या दोस्तों आपको पता है ऊंट के 5 पांव होते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। और 2 कुबड़ होती है यहाँ पे, जो ऊंट पाए जाते हैं उनके 2 कुबड़ पाई जाती है भाई, कई ऊँटों के जो 1 कुबड़ पाई जाती है। बाकी आप देख सकते हो ये ऊंट जा रहा है इधर एक और रास्ता जो है काफी सुनसान है। बाकी यहाँ पे इस टाइम पे जो डाकू वगैरह नहीं पाए जाते, बाकी आज से आप देखेंगे कि समथिंग 4-5 साल पहले अगर आप यहाँ अकेले आते हो तो आपको डाकू वगैरह जो है मिलते थे यहाँ। और दोस्तों यही अपने आगरा का रास्ता है शॉर्टकट यहाँ से, और ये आगरा का काफी शॉर्ट रास्ता है, यहाँ से आपको आगरा पड़ जाता है 20 किलोमीटर का समथिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अटेर का पुल आने वाला है, आगरा वाला काम चल रहा है उस पुल का, तो जैसे ही ये पुल बन जाएगा यहाँ से आगरा अपन को 20-25 किलोमीटर पड़ेगा। ये देखिए ये पुल का काम चल रहा है, चंबल नदी आ चुकी है, और ये चंबल नदी आ चुकी है दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था। अभी तो सूखी पड़ी है, गर्मी का टाइम है, पहले हम जो है चंबल नदी आए इसके बाद हम आपको किला घुमाएंगे, क्योंकि चंबल नदी में हम नहाएंगे यहाँ पे एक और शूटिंग कर लेंगे, थोड़ी बहुत शूट कर लेंगे। काफी बड़ा सा पेज बन रहा है जो कि आगरा से राइट बहुत काफी शॉर्ट रास्ता है आगरा का। ये हमारी बाइक दिख रही होगी, ये यहाँ पे क्या रेत है, काफी रेत देख सकते हो बिल्कुल, ये रेगिस्तान टाइप, ये हमारे जूतों में भी घुस चुकी है। और ये जो है इधर ब्रिज का काम चल रहा है, शॉर्ट रास्ता है मतलब शॉर्ट, यहाँ से आगरा समथिंग आपको पड़ जाएगा अराउंड 20 या 25 किलोमीटर के अराउंड भाई। काफी अच्छा सा एक नजारा देखने को मिलता है, दूर दूर तक आपको रेत, और ये इधर जो सामने दिख रही है चंबल नदी, बहुत बड़ी सी नदी है। भाई साहब काफी अच्छी सी रेत है, बाकी आप रेत को आप मकान वकान का जो प्लास्टर होता है उसमें भी यूज कर सकते हो, काफी बारीक सी रेत है। वैसे हमारी गाड़ी की तो आप हालत देख ही सकते हो, भाई पेड़ धस रहे अंदर हमारा रेत के अंदर, रेगिस्तान टाइप रेत है आपको। भाई साहब मेरे पेड़ जो है धसते जा रहा है इधर, ये अभी ऊंट जो आपको रास्ते में हमने ऊंट दिखाया था, ऊंट यहीं से निकल के गए थे, आप ये ऊंट के पैरों का निशान देख सकते हो इधर। गाड़ी गरम आ जाएगी, पैदल ले जा। दोस्तों हमारे पैर धस रहे हैं रेतों में।
भाई साहब। यहीं से जो है उत्तर प्रदेश की जो है सीमा चालू हो जाती है, जो नदी के इस साइड का जो एरिया है वो एमपी के अंडर में आ जाता है, और नदी के उस साइड का जो एरिया है वो यूपी के अंडर में आ जाता है। और ये नदी जो है इसका नाम चंबल नदी है। इसका ब्रिज का काम लगभग चल ही रहा है, समथिंग दो साल तो हो गए होंगे इन्हें, अभी तक जो है काम पूरा हुआ नहीं है। अब चलते हम इस नदी में नहाएंगे, उसके बाद हम जो आपको किला घुमाएंगे पूरा। अभी मगरमच्छ भी रहते हैं ना आप, मगरमच्छ वगैरह पाए? घड़ियाल। हाँ मगरमच्छ टाइप भी रहते हो भी ना। काफी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं भाई। ये नाव है, एक नाव है ना, ये नाव टाइप है, बिल्कुल नाव ही है जो डूब चुकी है, बिल्कुल अंदर पानी के अंदर धस चुकी है रेत में। इधर जो है आपको दिखाता हूँ, ये भाई और नहा रहे हैं इधर, हम भी देखते हैं नहाते हैं यहाँ पे। हमारे संगे नहाना पड़ेगा भाई। अरे यूट्यूब पे चैनल है हमारा भाई। ये भाई और जो है यहाँ पे नहा रहे हैं। बाकी अभी इस टाइम पे नदी में काफी कम पानी है, और ज्यादा पानी कब रहता भी है यहाँ पे, ज्यादा पानी कब, पानी ज्यादा कब पाया जाता है, लगभग बरसात में जो है नदी का पानी सामने जो आपको व्हाइट व्हाइट सा एरिया दिख रहा है, कहाँ तक पहुंच जाता है, जो आपको किला लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर किले के वहाँ पे पहुंच जाता है इसका पानी भाई, काफी दूर पहुंच जाता है। अभी हम जिस मार्केट से निकल के आए थे, इसका पानी जो है बारिश के टाइम पे वहाँ तक पहुंच जाता है भाई, काफी जो है बड़ी नदी है। और अभी जो है हम नहाने की तैयारी कर चुके हैं भैया, कपड़े निकाल रहे हैं अपने आप देख सकते हो, और हम भी अभी नहाने जा रहे हैं। भाई गहरा पानी तो नहीं है ज्यादा? हेलो भाई, ज्यादा गहरा पानी तो नहीं है रे? अभी चलते हैं नहाने। मैं अगर ये ऊपर देख रहे हो, ये ब्रिज आगरा से अटेरी के लिए जो काफी शॉर्ट ब्रिज है, इस ब्रिज में लगभग 68 करोड़ रुपए का जो खर्च आया है, और ये ब्रिज 960 मीटर लंबा है जो है अटेरी से आगरा के लिए बन रहा है। अभी प्रोजेक्ट का इसका काम जो है चालू है। और इधर आ जाता अपने एमपी इस साइड में, और इस साइड में आया था हमारा उत्तर प्रदेश यूपी। तो देख सकते हो काफी बड़ा ब्रिज है, अभी इसका काम चल ही रहा है। तो ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। अभी अगले वाला ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, तो हमें जो है अटेर का किला पूरा घुमाऊंगा। तो चलते हैं अटेर का किला, और इस ब्लॉग में लेते हैं यहीं से एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले।